हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं नए और बेहतरीन हाउस प्लान के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 33x37 फुट का एक बेहतरीन हाउस प्लान। साउथ फेसिंग ये प्लान है और वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस प्लान में आपको मिलेंगे 2 बेडरूम, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, काफ़ी बड़ी किचन, कार पार्किंग के लिए स्पेस, सेपरेट लैट्रिन बाथरूम और एक अटैच टॉयलेट प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ। दोस्तों, ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के नए और बेहतरीन हाउस प्लान की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने 33x37 फुट में प्लानिंग की गई है, देख सकते हैं। इसमें रोड 2 साइड दिखाई गई हैं, दोनों साइड रोड हैं, साउथ और वेस्ट में रोड हैं। लेकिन इन केस अगर आपके प्लॉट में केवल सिंगल साइड रोड है फ्रंट पे, तब भी आप इस प्लान को एज इट इज़ बना सकते हैं, तब भी उसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे होगा। मेन गेट आप देख सकते हैं, 10 फुट वाइड मेन गेट है। 10x18.5 फुट का आपको कार पोर्च मिल रहा है, आप 2 व्हीलर भी इसमें पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टेयर केस यहीं से लिया गया है, तो पार्किंग प्लस स्टेयर केस आपका दोनों हो गया, ज़्यादा जगह भी वेस्ट नहीं हुई और आपकी कार भी पार्क हो गई, और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर केस भी यहीं से दिया गया है। एक ड्राइंग रूम है जो बाहर की तरफ है, 14 फुट 3 इंच वाइड बाई 12 फुट का एक ड्राइंग रूम मिल रहा है आपको। लॉबी की तरफ से ये ओपन रखा गया है और बाहर की तरफ से इसमें एक एंट्री दी गई है। आप मेन गेट से अंदर आएंगे तो राइट साइड पर एक ड्राइंग रूम में जाने के लिए एक डोर दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए इसकी विंडो रोड की तरफ लगाई गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, 14 फुट काफ़ी स्पेस होता है और 14x12 तो काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, तो एक काफ़ी बड़े साइज़ का आपको एक ड्राइंग रूम मिल रहा है इसमें। और मेन एंट्री भी आप देख सकते हैं 10 फुट वाइड है, तो कार पार्किंग के लिए भी काफ़ी आराम से आप इजीली इसमें कार पार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइंग रूम के बगल में आते हैं दोस्तों, 6.5x12 फुट का काफ़ी बड़ा आपको किचन मिल रहा है, और किचन के वेंटिलेशन के लिए भी विंडो बाहर की तरफ लगाई गई है। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण होता है तो किचन के लिए बेस्ट है, तो ये वास्तु के अनुसार है बिल्कुल। किचन के ही सामने लॉबी और डाइनिंग है, तो डाइनिंग टेबल किचन के ठीक सामने लगाया गया है। हमने किचन में यहाँ पर डोर दिखाया है, बट आप चाहें तो किचन को ओपन रख सकते हैं। 21 फुट 1.5 इंच बाई 12 फुट 1.5 इंच, तो दोस्तों आपको काफ़ी बड़ी लॉबी मिल रही है। किचन के सामने आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और बाकी एरिया एज ए लॉबी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है दोस्तों ये। लॉबी से ही एक लैट्रिन और एक बाथरूम जो कि सेपरेट रखे गए हैं, इनकी एंट्री है, यहाँ से आते हैं। 2.5 फुट का ये पैसेज है, यहाँ से एक WC देख रहे हैं दोस्तों। 4.5 फुट वाइड एक WC मिल रहा है आपको, लैट्रिन मिल रहा है, और इसी के बगल में एक बाथरूम मिल रहा है 6.5x5 फुट का। बाथरूम में दोस्तों आप देख सकते हैं वेंटिलेटर पीछे वाली रोड की तरफ लगाया गया है, लेकिन अगर आपके प्लॉट में उधर रोड नहीं है तो आप इसका वेंटिलेटर स्टेयर केस की तरफ लगा सकते हैं, जैसे कि हमने WC का वेंटिलेटर लगाया है बाहर की तरफ। दोस्तों, पीछे 2 बेडरूम हैं। वेस्ट साइड में एक बेडरूम है 14x11 फुट का, काफ़ी बड़ा बेडरूम है और किंग साइज बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बचता है इसमें। इसकी एंट्री भी लॉबी की तरफ से है। इसके वेंटिलेशन के लिए विंडो वेस्ट साइड वाली रोड में लगाई गई है, लेकिन इनकेस अगर वहाँ पर रोड नहीं है तो यहाँ पर हमने एक जाल दिया है, जिससे पीछे के कमरे टॉयलेट का वेंटिलेशन होगा और दूसरा लॉबी में भी आपके रोशनी रहेगी, उजाला रहेगा। तो अगर आप किस साइड रोड नहीं है तो आप इस वाले बेडरूम की विंडो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वाला बेडरूम देखते हैं, 12.5x11 फुट का ये बेडरूम है और इसके साथ एक टॉयलेट को भी अटैच किया गया है। काफ़ी बड़ा बेडरूम है और इसके साथ टॉयलेट अटैच किया गया है। दोस्तों, आप टॉयलेट चाहें तो इस वाले बेडरूम के साथ अटैच करिए या इसके साथ अटैच करिए, या पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, 33x37 फुट के इस प्लान में आपको 2 बड़े बेडरूम मिल रहे हैं, पर आपने देखा कि ड्राइंग रूम कितना बड़ा है और लॉबी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है लॉबी में। चाहें तो स्टोर रूम यहीं बना सकते हैं, पूजा रूम अगर आपको सूटेबल लगता है तो पूजा रूम यहाँ बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर ये पड़ता है, तो आप यहाँ पर एक पूजा रूम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहें तो बना भी सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, ये प्लान आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपके प्लॉट का साइज़ डिफरेंट है और आप उसमें एक बेहतरीन हाउस बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा।
बहुत ही उचित दरों पर हम आपके लिए एक बेहतरीन हाउस प्लान बनाकर लाएंगे। दोस्तों, अगर ये प्लान आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।